एक कार, दो कार, तीन कार, सब बेकार। क्यों रो? ड्राइवर क्या हुआ है? गाड़ी क्यों रोकी? जी जी सरकार, बात यह है, कोई आदमी रास्ते पर चलते चलते बेहोश हो गया। बेहोश? ओ, जरूर कोई पीड़ित प्रसादी होगा। ड्राइवर फौरन उसे उठाकर गाड़ी में ले आओ। नंगी भूखी जनता की सेवा करना हमारा प्रथम मानव धर्म है। बिल्कुल बेहोश है, मालूम होता है कि कई दिनों से भूखा है बेचारा। हो सकता है किसी के प्रेम का मारा हो। मुझे तो कोई उठाई गिरा लगता है। ड्राइवर जल्दी चलो, सीधे अस्पताल चलो। ऐसा गजब न कीजिएगा जी, ऐसा गजब न कीजिएगा। ये डॉक्टर लोग बात बिन बात ऑपरेशन कर देते। हाँ जी। तो तुम बेहोश नहीं थे? सिर्फ चलते चलते थक गया था और जेब में रेल का किराया नहीं था। ड्राइवर गाड़ी रोको। झूठे, पाखंडी, पापी, नीचे उतरो। जैसी आपकी मर्जी, मगर अभी अभी तो आप अच्छे खासे थे। क्यों जी, इन महाशय को दौरा तो नहीं पड़ता? खामोश, अब तनिष कहीं का जानते हो किससे बात कर रहे हो? सेठ सोनाचंद धर्मानंद। जाओ, तुम हमारी दया के योग्य नहीं। अगर जीवन सुधारना चाहते हो तो आज से प्रतिज्ञा करो कि झूठ नहीं बोलोगे, धोखा नहीं दोगे, हमेशा सच बोलोगे। ये आपने उल्टा ही कहा। झूठ बोलने से ही तो बढ़िया कार में बैठने को मिलता है, नाजुक नाजुक हाथों से ओडिकोलोन लगाया जाता है, और सच बोलने पर फिर वही जूतियां चटकानी पड़ती हैं। सेठ जी, चलो ड्राइवर गाड़ी चलाओ। यह आदमी तो मुझे कुछ 420 मालूम होता है। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, अगर मैं 420 हूं ना, तो याद रखो तुम भी। बॉम्बे 420। चल बेटा जापानी। जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है, ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी, जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी लहर चले जीवन की नादा है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की पूछे राह वतन की चलना जीवन की कहानी रुकना मौत की निशानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे जब जब करें इरादे सूरत है जानी पहचानी दुनिया वालों को हैरानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या बंबई में सब बहरे बसते हैं क्या बहरे भी और अंधे भी इनके कान कुछ नहीं सुन सकते सिवा रुपयों की झनकार के ये बंबई है मेरे भाई बंबई यहाँ बिल्डिंगें बनती हैं सीमेंट की और इंसानों के दिल पत्थर के यहाँ एक ही देवता पूजा जाता है और वो है पैसा मगधरा सामने से हटके खड़े हो मेरे भाई धंधे का टाइम है माई धंधा यानी कि काम ना है? काम कामी की तलाश में तो मैं अलाहाबाद से यहाँ चल कर आया हूँ जो भाई तुम्हारे शहर में पेट भरने के लिए क्या करना चाहिए जो मैं करता हूँ भीख मांगनी चाहिए नहीं कोई काम बताओ मुझे काम बताओ तो सोचना पड़ेगा कुछ पढ़ा लिखा है जी ये पास सच कहता हूँ ये देखो मेरी डिग्री साथ साथ ये फिरता हूँ मैं ये देखो ईमानदार हो सच्चाई और ईमानदारी का सबसे पहला इनाम मुझे मिला है सोने का मेडल ये देखो जवान हो मेहनत कर सकते हो डबल जवान 24 घंटे दिन में काम कर सकते हो कोई करा के देख ले तो तुम्हें काम नहीं मिल सकता काम नहीं मिल सकता पढ़े लिखे ईमानदार मेहनती जवान को काम नहीं मिल सकता क्यों नहीं इसलिए कि ये बंबई है मेरे भाई बंबई बड़ा शहर यहाँ सच बोलकर पेट भरने का रास्ता ढूंढने से नहीं मिलता और झूठ बोलकर पैसे बनाने के रास्ते हैं 420 थैंक यू बॉस थैंक यू
आज मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। क्यों भाई, केले क्या भाव दिए हैं? हाथ निकलो दूरन बोल, आठ आने दर्जन सूटे गए थे तो दो आने थे तीन। अपने पहले कुछ नहीं पढ़ा मैडम? आठ आने का दर्जन छुट्टा लेगा तो दो आने का तीन। दो आने के तीन? ची 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 ची, ना बाबा ना, तीन आने के दो। तीन आने के दो? अरे फोकट का माल है का धंधा का सा चाला है चा, घने का होएगा तो दो आने का तीन लियो, ना तो चाला लगा बगो। ऐसा क्या करती है, सोच लीजिए ना, तीन आने के दो। नको, लेने का है तो दो आने का तीन लियो, नहीं तो जाओ। तुम्हारी मर्जी, फिर सोच लो। दो आने के तीन और तीन आने का दो। अरे ये, ए, एकड़ी, एकड़ी। अरे इधर आओ, तुमको तीन आने का दोन मांगता है ना, ले लो। ये बात हुई ना, वाह वाह। लेकिन पैसे उसका तो मैंने बंदोबस्त ही नहीं किया, फिर कभी से, लेकिन लूंगा तीन आने के तो, याद रहे। ए, ले पैसा फिर दे, ले ले, अरे ले ले। और अगर मैंने पैसे ना दिए तो? हम समझेंगे हमारे बेटे ने खाया, जा जा जा। कितना बड़ा है तुम्हारा बेटा? तुम्हारे एवडा जे, तुम्हारे सरकस। थैंक यू लेडी केले वाली, धन्यवाद। एक बात बोलूं, बुरा तो ना मानो, तुम केले वाली नहीं दिल वाली हो, दिल वाली लेडी केले वाली। थैंक यू, तुम्हारे तीना ने मुझ पे उधार रहे। का बोले पुरगा, जिससे येड़ा जिससे येड़ा। केला खाएगा? ले जा, मगर देख छिलका संभाल कर फेंकी, कितने ही बेवकूफ होते परवाह नहीं करते, बस केला लिया छिलका उतारा हुँ? और यूं सड़क के बीचों बीच फेंक दिया। जाहिल गमा अनपढ़ कहीं के, केला खा के छिलका फेंकने की भी तमीज नहीं। बच्चा ये बंबई है मेरे भाई बंबई, यहाँ दूसरों को गिरता देखकर सब हंसते हैं, मगर जब खुद गिरते हैं तो हंसना भूल जाते हैं। बाबा तुम भी ठीक कहते हो मेरे भाई, मगर ये तो बताओ यहाँ आसपास में कोई ऐसी दुकान है जहाँ पुरानी चीजें बेची या खरीदी जाती है? वो देखो रद्दी वाले की दुकान जहाँ हर चीज बेची और खरीदी जाती है। खुदा हाफिज। क्यों विद्या बेटी, अपने एयरिंग वापस लेने आई है? नहीं रद्दी वाला काका, अब तो ये चूड़ियां भी बेचने आई। क्यों मको, तुम्हारे स्कूल की हालत फिर बहुत खराब हो गई? अच्छा जा पैसे से 30 रुपए ले ले, नहीं 50 रुपए ले ले। अरे ये क्या करती, अपने पास रख, जब तेरे पास पैसे हो मुझे दे जा। न जाने वो दिन कब आएगा, और आएगा भी या नहीं। ऐसी दिल तोड़ने की बात क्या करती है बेटी, देखना एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा, खूबसूरत नेक मालदार, उस तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को देखकर एकदम चकाचौन हो जाएगा और फिर तुझे ब्याह के ले जाएगा इंशाल्लाह, और फिर इससे कहीं ज्यादा अच्छे देवर गहनों से तुझे लाद देगा, और फिर तू एक साथ सारे पैसे मुझे वापस कर देना, समझी? जा आप तो खुश है, या पैसे ले ले, अपने बाबा का सलाम बोलना और बोलना मैं जुम्मा के दिन मिलने को आऊंगा। हाँ बाबा तुमने सुन जो ये थे, क्या मांगता है साहब आपको, क्या दिखाऊं?
मुझे कुछ खरीदना नहीं है, बेचना चाहता हूँ। वो तो आस्था खुला, जिसको देखो बेचने को आता, खरीदने को कोई आता ही नहीं। क्या बेचने का है आपको? ईमान बेचना चाहता हूँ। ईमान है? क्या बोलता है? जी मैं ईमान बेचना चाहता हूँ। ये देखिए, ये है मेरा ईमान। राष्ट्रीय अनाथ आश्रम, सच्चाई और ईमानदारी के लिए पहला इनाम राज, इलाहाबाद। जी आप इस ईमान की क्या कीमत लगाते हैं? जब ईमान बिक गया तो जिंदगी में राहत है। जी मुझसे कुछ कहा? जी जी नहीं। अच्छा रद्दी वाला काका, मैं जाती हूँ। खुदा हाफिज। ए मिस्टर, तुम्हारे को अपना ईमान बेचने का कि गिरवी रखने का है? चाहता तो था कि इसे बेच ही डालूं, हमेशा के लिए इसे छुटकारा पाऊं। लेकिन खैर, इस वक्त आप इसे गिरवी ही रख लीजिए, फिर किसी वक्त काम आएगा। 40 रुपए मिलेंगे, 50 देकर अपना ईमान वापस ले जा सकते हो। थैंक यू मिस्टर रद्दी वाला। अब देखते जाओ इस 40 रुपए से किस तरह तुम्हारी सारी बंबई को खरीदता हूं। थैंक यू। सब लोग एक इरादे से मुंबई आता है, लेकिन मुंबई को कोई नहीं खरीद सकता। मुंबई सबको खरीद लेती है और अपना काम निकालकर किसी रद्दी वाले की दुकान में फेंक देती है। आओ बीताओ तो कोई जगह को भी देख रुके। एक का दो मिस्टर, ध्यान की बाजो रक्कल का काम कोई भी लगाओ, कोई भी मिस्टर हार गया। ध्यान की बाजो रक्कल का काम कोई भी देख सकता है। देखने को पैसा ना, गाड़ी पे 2 रुपया बोला। इसका बाप का बोला, किसका बोला? 2 रुपया बोला, गाड़ी पे बोला, मेरे पास पैसा, मेरे पास पैसा 2 रुपया बोला। 2 रुपया मिले, 4 रुपया। ध्यान की बाजो रक्कल का काम ना बोला, 4 रुपया हार गया। देखो कोई भी देख सकता, देखने को पैसा ना, कितना मिला? इसके ऊपर 2 रुपया कितना बोला? 2 रुपया हार गया साहब। देखो कोई भी लगाओ, कोई भी, ध्यान की बाजो रक्कल का काम दिखाओ उनको, बराबर दिखाओ। देखो ये देखो, देख सकता मिस्टर, देखने को पैसा नहीं लगता, कितने लगता? 5 रुपया इतना बोला साहब, 5 रुपया है पैसा है मेरे पास, पैसा बताओ, देता हूँ पैसा, पैसा बताओ, 5 रुपया पैसा बताओ, ऐसा थोड़ा मिलता मिस्टर? वो पत्ता खेलने इधर, पैसा बताओ, मेरे पैसे, पैसा बताओ साहब, मेरे पैसे, मेरे पैसे किसने मार लिए? तुम लोग सब बदमाश हो, 420 हो, किसको बोलते बदमाश? चोर, पत्ते लगाते हैं, धोखा देते हैं शरीफ आदमियों को। शर्म तो नहीं आई मेरी जेब काटते हुए? नहीं, जगह पहले से ही रिजवर्ड है। चाचा ये और जगह देख। सुनिए, अगर रात भर के लिए मैं यहां सो जाऊं तो कोई हर्ज है? पगड़ी दे सकते हो? पगड़ी कैसे दे सकता हूं, मैं तो रूसी टोपी पहनता हूं। रूसी टोपी पहनता, पगड़ी नहीं समझते? पगड़ी यानी नजराना यानी पैसा, पैसा। 3 रुपया पगड़ी देकर जगह मैंने ली है, 1.5 रुपया निकालो और आधी तुम ले लो। जल्दी करो, जल्दी करो, निकालो। 1.5 रुपया फुटपाथ पे सोने के लिए? 1.5 रुपया? हाँ हाँ, 1.5 रुपया और नहीं तो क्या। अरे बंबई शहर में तो फुटपाथ पर भी सोने के लिए पगड़ी देनी पड़ती है, और फिर ये फुटपाथ एकदम नरम, बिल्कुल पेशल, ठीक सेठ सोनाचंद धर्मानंद के महल के नीचे। वो देख, सोनाचंद धर्मानंद। हाँ हाँ, सेठ सोनाचंद धर्मानंद। जब वो खाने पर बैठते हैं और उधर की हवा चलती है तो वो खुशबू आती है। निकाल 1.5 रुपया। आज तो मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है, मेहरबानी करके मुझे आज की रात यहीं सोने दीजिए। वो कट में बाप का खत्म तक का है क्या? अजी आप बाप तक क्यों पहुंचते हैं? चुप, खामखा नाराज क्यों हो रहे हैं जी? अगर मैं यहाँ रात सो जाऊं और क्या कर सकते हैं? मेरा बताइए, कहाँ सोने चला रहे हैं बड़ा जी? अरे बच्चे, अकेला देखकर रुबाब करता है वो। मैं
मैं पूछता हूँ क्या ये फुटपाथ आपका है? नहीं तो क्या तेरे बाप का फुटपाथ है? अरे अरे नहीं, इसके बाप के फुटपाथ है, नहीं तेरे बाप के फुटपाथ है, ये तो अपने माय बाप सरकार का फुटपाथ है। हेलो लेडी केले वाली, हेलो। अरे अरे तूने एक ना फुटकर आलस मारा? अरे तुम इकड़े कैसे आया? क्या घोटाला है? कोई घोटाला नहीं लेडी केले वाली, चलते चलते थक गया था तो यहाँ आराम करने बैठ गया। ये भाई लोग मेरी खातिर तवाजो कर रहे थे। मार लगा तुला कारे मेले हो मस्ती आने का तुम्हारा मार लगता था पोराना। हाँ हल्का टन हो चला देगा ही तुम। अरे वाह मार देख मेरे पोरा करके लागला का तुला लागला कुछ रहा तो तू किधर रहता? तुम किधर रहता, किधर झोपता है? कहीं नहीं, और जो कहीं नहीं रहते वो कहाँ रहते? इधर इधर माझा जवर अपने माय बापाच्या फुटपाथ वर। अरे फजलू गणू, अरे मुरली इसऱ्या ऐका समजांनी, ये आपलं पोरग आहे, हा ह्याला समजांनी नीट सांभाळायचं, हा फाजीलपणा करायचा। आजपासून इथंच राहणार। जरूर जरूर मां, इस फुटपाथ पर आपके बाप का राज है। ठीक है ये बात। बैठो बैठो आराम से बैठो। हाँ अरे चाय लाना और साथ में भजिया भी। हाँ हाँ हरा मिर्चा नहीं भूला, माफ करना हमने तुमको चपत मारा था। कोई बात नहीं, तो भाई हो ही जाती है ऐसे मामलों में। तुम घबराओ मत, गंगा माई के बच्चे सब आपस में भाई भाई के बराबर। ठीक बोला ठीक बोला, मैं हम ही तुम्हारा भाई है। मगर तुम्हारा नाम क्या है? राज। राज, अरे वाह सुना गंगा माई सुना, मैं कहता ना था कि एक दिन हम भूखे नंगों का राज जरूर आएगा, तो देख आ गया। हाँ तो भाई राज काम क्या करते हो? काम ढूंढता हूँ, कितना बड़ा काम। मालूम होता है नए नए आए हो, जभी तो काम ढूंढते हो, नहीं तो हमारी तरह मजे उड़ाते हो उस्ताद। क्यों क्या काम करते हो तुम? बेकार। बेकार अपनी राम कहानी तो एक ही शब्द में खत्म हो जाती है भैया, बेकार। खैर कुछ अपनी सुनाओ, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? क्या इरादे? हाँ भाई अगर इस बिरादरी में रहना है तो कुछ हमारी सुनो और कुछ अपनी सुनाओ। कोई मजेदार बात सुना ना। हाँ अपना दिल बहुत दुखेला है। बेड़ी दूर सुना सुना सुनो। हाँ हाँ सुनाओ। हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।
हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। ओ हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन बिन देख पहचान के, एक दिन बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा पीछे से देखा, ऊपर से देखा नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है। टांग अड़ाता है दौलत वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, ओ सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। सुनो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, जाओ
होता है पागल कहीं का। ए, ये क्या कर रहा है? देखते नहीं अमलदार साहब क्या कर रहा हूं? ये थल कबल क्यों खड़ा है? सच्ची बात तो ये हवलदार साहब की इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है। जानते हैं हवलदार साहब, बड़े बड़े नेता सवेरे उठ के 30 शासन करते हैं तब देश को सीधा कर पाते हैं। जी अभी कोई गड़बड़ नहीं करना, नहीं तो मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा, समझे? हवलदार साहब, सर पे खड़ा होना कोई जुर्म है क्या? सब तुम लोग जाओ, स्कूल की तैयारी करो। अजी माफ कीजिएगा। दीदी देखो, तुम्हारा इसने घर तोड़ दिया। कुछ लोग होते ही ऐसे, घर बनाना नहीं जानते, गिराना जानते, ईमान बेचते हैं और पाप मोल लेते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? डूब मरना चाहिए। आप ठीक कहते। आदमी को पानी में डूब मरना चाहिए? वो तो मैंने यूं ही, मेरा मतलब है, मुझे माफ कीजिए, आई एम सॉरी। आपने ठीक ही कहा, मुझ जैसे आदमी को डूब मरना चाहिए। मगर आत्महत्या करना पाप है, जुर्म है। अब तो तुम खुदकुशी नहीं करोगे? क्यों नहीं करूंगा, जरूर करूंगा। जब और सब पाप कर लिए तो यही क्यों रह जाए? आपने मुझे पानी में डूबने से बचा लिया तो क्या हुआ? मगर सुनो सुनो, मैं तुम्हें खुदकुशी करने नहीं दूंगी। कैसे नहीं करने देंगी? जब मैं अपनी जान देने पर तुला हूं, आप मुझे कैसे रोक सकती? मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा सकती हूं। पुलिस 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 देखो देखो ये आदमी। ए, क्या गोल माल है? माल तो है हवलदार साहब, गोल करना जरा टेढ़ी खीर है। ये आदमी ये अभी अभी मैं बताता हूं हवलदार साहब, आप जरा इधर आइए आइए आइए। हवलदार साहब, ये वही है। कौन? तुम्हारी घरवाली? जी हाँ, बिल्कुल वही है। सूरत से तो बुरी नहीं लगती। इसकी सूरत पर मत जाइए हवलदार साहब, मीठी छुरी है, मीठी छुरी। नाक में दम कर दिया है मेरे, अभी अभी समंदर में कूद पड़ी, बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला है। कहती है कि मैं भी डूबूंगी और तुम्हें भी ले डूबूंगी। अब कहता हूं कि भगवान घर चल, तो नहीं जाती। ये बात है? हाँ जी, अभी से ठीक ये देता। बड़ी कृपा होगी माई बाप सरकार, बस ये समझ लीजिए कि मेरा घर बस जाएगा। हाँ। ए, ए, क्या है? चलो जाओ। कहाँ? अपने घर। ए, तुम ही चलो। जो हुकुम हवलदार साहब, मैं तो ताबेदार हूँ आपका। ए जी, अब चल भी दो।
गुस्से को थूक डालो जी। क्या क्या कह रहे हो? नहीं जाते। तुम कौन होते मुझे हुक्म देने वाले? सुन लिया हवलदार साहब, मैं कौन होता हूँ हुक्म देने वाला? हाँ हाँ हाँ, अब आप ही ने बताइए कि मैं कौन होता हूँ। चुपके से घर जाओ, नहीं तो तुम्हें चौकी ले जाना पड़ेगा। चौकी? क्यों, मेरा जुर्म क्या है? आत्महत्या। अभी तुम पानी में नहीं कूदी थी? वो तो मैं इसे सुना हवलदार साहब, वो तो दरअसल मुझे बचाने के लिए कूदी थी। मैं कुछ सुना नहीं चाहता, जाओ अपने घर। अरे तुम भी चलो। क्या बच्चों की तरह लड़ते हो? पति पत्नी के झगड़े हर घर गृहस्थी में होते हैं, मगर शरीफ औरतें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं चली जाती। तुम लोग नए जमाने के हो, औरत घर की लक्ष्मी है, घर की शोभा है, तुम लोग क्या समझो? हिंदुस्तानी लड़कियों का धर्म है अपने पति को देवता मानना चाहिए, अपने पति की सेवा करना चाहिए। बस, यही मेरा घर है, अब आप लोग जाइए। ए, 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 फिर कर मामा क्या? जो अपना घर बसाओ। ए, मुंह क्या देखता है, लेके जाओ उसको। शर्म नहीं आती? अभी तक मेरा पीछा कर रहे हो, बड़े बदतमीज हो जी। आपको डूबने से बचाया, घर तक पहुंचाया, ये बदतमीजी है क्या? हाँ 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 हाँ। कौन विद्या, क्या हुआ? मर गई पिताजी। पिताजी ठहरिए, अभी आपकी शिकायत करता हूँ मैं। आप अंदर नहीं जा सकते। वाह, मैं क्यों नहीं जा सकता? ये मेरा घर, मैं आपके पिताजी से मिलना चाहता हूँ। नहीं जा सकते। किससे झगड़ रही है? मुझसे पूछिए पिताजी, ये मुझसे लड़ रही थी। कौन हो तुम? पिताजी ये है, ये मैं हूँ श्री रणवीर राज। और ये है मेरे पिताजी पंडित ओमकारनाथ शास्त्री। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटा। कहो तुम। पिताजी ये समंदर में? जी समंदर में, बिल्कुल समंदर में। यही तो मैं आपसे कहने आया था कि आप अपनी सपुत्री को समझाइए कि यूं गहरे पानी में ना कूद पार करें। आप चुप रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। ये तो आपके अच्छे कर्म थे पंडित जी, चुप रहिए कि मैं वहां मौजूद था, वरना पंडित जी लेने के देने पड़ जाते अगर मैं पानी में कूद कर इनको बचाना लाता। जी मगर पिताजी मैं पानी में क्यों अपनी जान से नहीं खेला करते? अजी यही तो मैं इनको समझाता आ रहा हूँ पंडित जी, कि हमारी जान जो है ये भगवान की देन है, इससे लापरवाही करना ना शुक्रापन है। लेकिन पिताजी असल में तो ये खुद पर... देखिए पहले आप ये गीले कपड़े बदल आइए, बहस बाद में कर लीजिएगा, तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। मौसम वैसे ही खराब है, जरा सी देर में नजले से नमोनिया हो जाता है। सच तो कहता है, जाजा गीले कपड़े उतार डालना है? और हाँ मेहमान के लिए एक प्याली चाय बनाना। बैठो बैठो जी, संभल के संभल। धन्यवाद हो बेटा, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। ले देके दुनिया में एक ये बेटी ही है। पंडित जी ये तो मेरा फर्ज था। मगर इस कलयुग में कौन किसकी मदद करता है? तुम तो अपनी जान पर खेल कर इसे बचा लाए हो। समंदर में कूद पड़ना मेरे लिए बड़ी मामूली बात है, दो चार मील तो एक ही सांस में तैर जाता हूँ। अफसोस तो मुझे इस बात का है पंडित जी कि मेरा ये कीमती सूट भीग कर खराब हो गया। अरे विद्या जल्दी चाय ले आ, कहीं बेचारे को सर्दी ना हो जाए। बड़े हसमुख हो तुम। आपने तो खामखा तकलीफ की। चाय गरम, जरा संभाल कर पीना। सुना है झूठ बोलने वाले की जबान जल जाती। क्या हुआ बेटा, जबान जल गई क्या? जी नहीं, दिल जल गया। बड़े हसमुख हो तुम। अरे विद्या जल्दी कर, तेरे बच्चे तेरी राह देख रहे होंगे। बच्चे? हाँ अभी तो सिर्फ 50 ही हैं। 50? अच्छा पिताजी मैं चली। छोटा सा ही स्कूल है हमारा। स्कूल? हाँ। ओ, स्कूल? हाँ, जब से भगवान ने टांगे भी मुझसे ले ली, विद्या बेटी ही अकेली स्कूल को चलाती। बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, गरीब इलाका है ना। माफ करना बेटा, आज हमारे यहां तुम्हारी खातिर करने को कुछ भी तो नहीं। देखो तो मेहमान को बिठाने के लिए घर में कोई ढंग की कुर्सी भी तो नहीं। हा? क्या बात करते हैं पंडित जी? जी 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 जी, आपके यहां का फर्नीचर तो फर्स्ट क्लास फर्नीचर है जी। अरे चोट तो नहीं लगी? आप फिक्र मत कीजिए पंडित जी, दरअसल आपकी कुर्सी का कोई कसूर नहीं,
मेरा वजन ही कुछ बढ़ गया। बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना बीचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना बीचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना बीचक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे लड़का है दीवाना बीचक दाना बोलो क्या दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना बीचक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना ईचक दाना चाले वो चल कर दिल में समाया खा पी गया वो किया है सफाया तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में ना आना ईचक दाना तुम भी देखो बचकर रहना चक्कर में ना आना ईचक दाना बोलो क्या हम दीदी हार गई ना तो इस खुशी में तुम सबको छुट्टी छुट्टी
ऐसा क्या गजब हो गया? खेलने कूदने दीजिए बच्चों को। खेलने कूदने दो, जैसे बेकार आवारा अनपढ़ खुद हो वैसा इन बच्चों को बनाना चाहते हो। बेकार आवारा, आप ठीक कहते, अनपढ़ यही मेरी बदकिस्मती है देवी जी कि मैं अनपढ़ नहीं। अगर ऐसा होता तो कम से कम टोकरी ढो सकता था, स्टेशन पर हमाली कर सकता था, मगर क्या करूं, मैं ग्रेजुएट हूं, बीए पास। एक और झूठ, जरा अपना हुलिया तो देखो, कॉलेज के पढ़े लिखे ग्रेजुएट की ये सूरत होती है। खा गई ना आप भी कपड़ों से धोखा। अगर आज मैं एक बढ़िया सूट पहने शानदार गाड़ी में बैठकर यहां आता तो शायद आप मुझे बदतमीज जाहिल गंवार ना कहते। मगर इसमें आपका कोई दोष नहीं देवी जी, जिस दुनिया में आप रहती हैं वहां इंसान के दिल और दिमाग की नहीं उसके कपड़ों की इज्जत होती है। शार्कस्किन के सूट, सिल्क की कमीजें और जॉर्जेट की साड़ियों की इज्जत होती है। ये बात नहीं, हम लोग खुद कोई अमीर नहीं, तुम देख सकते हो ये सारी बस्ती ही गरीबों की। यही तो दुख है, आज गरीब भी गरीब को नहीं पहचानता। मेरी जापानी हालत देखकर आपको मेरे पढ़े लिखे होने का भी यकीन नहीं, इसलिए तो अपनी डिग्री साथ साथ लिए फिरता हूं। ये देखिए, मैं वाकई बीए पास हूं, ग्रेजुएट हूं। ये देखिए मेरी डिग्री, देखिए। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है, ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो। इसलिए देवी जी कि इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना पड़ता है, या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा। और सच पूछिए तो दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए ये बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की चीज है। ठहरो, ठहरिए। विद्यादेवी पंडित जी घर में, सुनिए मैं कुछ मदद कर सकती हूँ। थैंक यू विद्यादेवी, जब मदद की जरूरत होगी मैं खुद ही आ जाऊंगा, लेकिन इस वक्त तो मुझे अपनी मदद खुद करने दीजिए। इस शहर में मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है। कुछ बनना है क्या और कैसे? जैसे भी होगा, जिस ढंग और जिस रास्ते से होगा, लेकिन थोड़े दिनों में आप देखिएगा मेरी जेब में पैसे होंगे, मेरे बदन पर एक बढ़िया सूट होगा, इस शहर में मेरा नाम होगा, इज्जत होगी, लोग मुझे दुत्कारेंगे नहीं, मेरी जय जयकार करेंगे। जय जयकार। बम्बई निवासियों को मेरा प्रणाम, हिंदू को राम राम, मुसलमान को सलाम, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग और सरदार जी को सत श्री अकाल। आप सब जानते हैं कि मेरे आदर्श में धर्म और राष्ट्रीय संस्कृति का कितना ऊंचा स्थान है। मुझे देखिए, मेरे वस्त्रों को देखिए, टोपी से लेके चप्पल तक जो कुछ मैं पहनता हूँ वो स्वदेशी है। मेरी तरफ देखिए, मेरे लिबास का मुआयना कीजिए, मेरे जूते हैं जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, समझे ना भाई लोग, इसी है और वो है मेरा हिंदुस्तानी दिल। आज सारे संसार के सामने जो कठिन समस्याएं हैं उनमें सबसे बड़ा सवाल है रोटी का, आप समझे ना, रोटी यानी चपाती, नान भाकर खानी, इडली डोसे, मीट भाकर, किस नाम से भी पुकारिए, दुनिया में रोटी से बढ़कर प्यारी चीज कोई नहीं। क्यों भाई? हाँ है, रोटी से भी बढ़कर इंसान के लिए जरूरी चीज है उसकी आत्मा, उसके मन की शांति, और मन की शांति मिलती है पेट भरने से। क्यों भाई झूठ कहता हूँ? हाँ झूठ कहता है जो कोई धर्म को, आत्मा को, श्रद्धा को झुठलाता है और उसके बदले में ये रोटी का नया और जहरीला धर्म फैलाता है। हाँ तो भाइयों, जिन्होंने रोटी खानी हो इधर आ जाएं और हवा खाने वाले उधर चले जाएं।
राजनो, देवियों, ठहरो, सुनो, इतिहास तुम्हें पुकार रहा है, समय तुम्हें ललकार रहा है, और मैं तुम्हें, अरे ठहरो, सुनो, मुझको सुनो, मैं आओ आओ रोटी के प्रेमियों, तुम्हारे पेट के सवाल का जवाब मेरे पास है, मगर सबसे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, रोटी खाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पास मेरे भाइयों, मगर पैसे से भी बढ़कर एक चीज की जरूरत है, पैसे बिना रोटी चुरा कर खाई जा सकती है, भीख मांग कर धोखा देकर झूठ बोलकर रोटी खाई जा सकती है, मगर जिस चीज के बिना कोई रोटी नहीं खा सकता वो है दांत, 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 क्या दांत, यानी कि दांत, समझे ना भाई लोग, दांत, अगर आपके दांत मजबूत नहीं है तो आप रोटी को चबा कर नहीं खा सकते, और अगर आप चबा कर रोटी नहीं खाएंगे तो आपको बदहजमी होगी, आप बीमार होंगे, कमजोर होंगे, और अगर आप कमजोर होंगे तो कौम कमजोर होगी, और अगर कौम कमजोर होगी तो दुश्मन हमारे देश पर कब्जा कर लेंगे, हम फिर गुलाम बना लिए जाएंगे, इसलिए अगर आप भारत की आजादी को कायम रखना चाहते हैं, अपनी कौम को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अपने दांतों की हिफाजत कीजिए, उन्हें रोज सवेरे मेरे ईजाद किए हुए चांद सूरज मंजन के साथ रगड़ के साफ कीजिए, ये मंजन आपके दांतों को चांद और सूरज की तरह रोशन कर देगा, एक शीशी के दाम है चार आने, सिर्फ चार आने भाइयों, दाम कितना सिर्फ तोला है, दाम क्यों में लगाइए, लाइन में लगाइए, मंजन बेचने वाला निकलाना 420। चिरांजी लाल, तुम्हारे दांत भी तो बड़े गंदे रहते हैं, क्यों नहीं तुम भी मंजन की एक शीशी खरीद लेते? जी 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 महाराज, मेरे पास माल बहुत थोड़ा है, बताइए ये मंजन किस चीज से बनाया है तुमने, इसमें पिसी हुई हड्डियां तो नहीं है? नहीं नहीं, इसमें पिसे हुए कोयले और चौपाटी की खालिस रेत के सिवा और कुछ नहीं है जी। सुना तुम लोगों ने, 400 फीस ने हम लोगों को धोखा दिया है, मंजन की जगह रेत बेचता है, हमारी आंखों में धूल झोंकता है, मंजन की जगह रेत बेचता है, अरे सुना तुम लोगों ने, मारो मारो, दर्द नहीं होगा, आई हुई है छुटाई, गए थे सच बोलने। अरे 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 बस करा, साधन करल कोरला, अरे बाबा क्या गड़बड़ घोटाला है, मेरे को भी बोलो। घोटाला क्या गंगा माई, चौपाटी पे मंजन की जगह रेत बेच रहा था, भाई लोगों ने वो ठुकाई की, वो ठुकाई की, तबीयत साफ कर दी, मिलन हो बस, तुम ऐसा खोटा काम काहे को करता है? तुम्हें बताओ गंगा माई मैं क्या करूं? अभी तो तुम पहले ये पियो गरम गरम, लो हम 2-4 दिन इकड़े आराम करो अपना घर में। फुटपाथ बोल फुटपाथ गंगा मैया, घर किधर है? अरे यार मारता ये लगले, अरे फुटपाथ मिला है घर भी मिलेगा। अच्छा विराज बाबू एक बात तो बताओ, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता ये हमारी माई बाप सरकार हम लोगों के लिए छोटे छोटे घर बना दे? छोटे छोटे हो सकता है, हम जैसों के भी घर होंगे, लेकिन किराया देने के लिए भी तो पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आए? इसलिए घर से पहले हमें नौकरी चाहिए, काम चाहिए। अरे यार काम भी कोई काम का हो, अभी तुम देखो, हाँ अपन एक लॉन्ड्री में काम करता था, दिन रात मेहनत करता था, मालिक अपने को 45 रुपया पगार देता था, उसमें से 20 रुपया काट लिया, क्यों? कि जरा सा मेम साहब का एक फराक जल गया, ये भी कोई इंसाफ है? धत अपन तो नौकरी छोड़ के आ गया। ठीक किया, चुकता कर गए तुम लगा लगाया काम छोड़ा, अपने से ये झिकझिक ही नहीं होता यार, इसका मतलब तुम उस काम पे वापस नहीं जाओगे? अरे अपन तो कोई नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। ठीक है, कहाँ काम करते थे तुम? वही पारसी बाजार में, जय भारत लॉन्ड्री। पारसी बाजार, जय भारत लॉन्ड्री,
पहले किसी लॉन्ड्री में काम किया है? जी जी हाँ, इससे पहले मैं सनलाइट सोप कंपनी में, मेरा मतलब है जी सनलाइट लॉन्ड्री में काम करता था मद्रास। वो कपड़े धोता हूँ कि वाह वाह वाह, मैं खुद कैसे तारीफ करूं। स्त्री कर सकते हो? स्त्री स्त्री का तो मामला ऐसा है जी कि तनख्वाह मिले अच्छी और रहने को मकान मिले तो स्त्री भी कर सकता हूँ। अरे भाई वो स्त्री नहीं, ये स्त्री, आयरनिंग आयरनिंग। ओ मैं ये स्त्री समझा था जी, माफ कीजिएगा। वो स्त्री भी बहुत अच्छी करता हूँ जी, हम लोग खानदानी धोबी हैं। हाँ शक्ल से तो बेवकूफ नजर आते हो, मेहनत से काम करोगे? जी हाँ। ईमानदार रहोगे? जी हाँ। तो आज से तुम्हें काम पे रख लिया जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। 45 रुपए महीना पगार मिलेगा, जाओ अंदर काम करो। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रमे आकी मात्रा म, रमे आकी मात्रा ग, रमे आकी मात्रा ज, रमे आकी मात्रा ज, फिर से पढ़ो। राम राज राज। मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा, मगर ये समझ में नहीं आता तुमने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है, ये मस्खरों जैसी हरकतें क्यों करते हो? कैसी हैं आप? मैं आपके लिए ये लाया था। बड़ी तकलीफ थी आपने? इसमें तकलीफ की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। कहिए पंडित जी कैसे हैं? आप कैसी हैं? मैं आपसे ये कहने आया था कि मैंने एक लॉन्ड्री खरीद ली है, जय भारत लॉन्ड्री, पारसी बाजार में। पारसी बाजार तो जानती हैं आप, पारसी बाजार वो खड़ा पारसी के बाएं तरफ है, अगर आप यूं चले आइए और फिर यूं जाके बिल्कुल वहां पहुंच जाती हैं। किसी दिन आइएगा वहां पर, बहुत काम काज रहता है। ये नया सूट है मेरा, मैं 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 पहले ही चला आता लेकिन क्या करूं, इतना काम रहता है कि बस आज छुट्टी मिली तो मेरे खास में। बहुत काम रहता है मुझे, मैं ये मुझे देर हो रही है, किसी वक्त आऊंगा मिलने के लिए। अभी अभी तो आप सूट पहने खड़े थे, फिर खा गए कपड़ों से धोखा। अजी आदमी कपड़ों को पहनते हैं, कपड़े आदमियों को नहीं पहनते। क्या मतलब? वो देखिए कपड़े वो रहे, ये रहा आदमी, क्या ख्याल है? मैं तो देखने आई थी, आपका कामकाज कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा चल रहा है। 15-20 आदमी नीचे काम करते हैं और आप बस हुक्म चलाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं। ये कपड़े बारिश का मौसम है ना, बढ़िया सूट अंदर रख छोड़ा है, भीग कर खराब हो जाएगा। छोड़िए वो बात, क्या खातिर कर सकता हूँ आपकी। कहिए कहीं चाय पीने चलिएगा, कहाँ चलिएगा, ताज चलिएगा, ग्रीन्स चलिएगा? जी नहीं,
वो सब बहुत दूर है। ठीक कहती हैं आप, मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। खैर तो चलिए अपने फुटपाथ पैलेस होटल चलते हैं। फुटपाथ पैलेस? जी करीब है, आइए आइए। ये है हमारा फुटपाथ रेस्टोरेंट, फर्नीचर इसका ऐसा वैसा ही है। खैर आप बैठिए बैठिए बैठिए, मैं अभी आया। नमस्ते काका, दो स्पेशल चाय, डबल दूध डबल शक्कर, फटाफट निकालो। अरे पहले के पैसे तो निकाल। अरे काका मौका देखकर बात किया करो, क्या बेवक की रागनी अलापने लगते हो। हा? पैसे तुम्हें पगार पे मिल ही जाएंगे, लेकिन आज ये तो देखो मेरे साथ कौन आया है। देखो देखो मुझे क्या करना है तेरे साथ कौन आया, पहले केवर का दस्ताने तो दे। काका तुम इन बातों को नहीं समझोगे। काका आ जाए पिला दे, इज्जत रख ले मेरी काका, इज्जत रख ले, चाय पिला दे। पर आज के पैसे नक लूंगा। हमारे काका की चाय आप पियेंगे सब होटलों की चाय भूल जाएंगे, वो अच्छी चाय बनाते हैं। आपके पास छुट्टे दुआने हैं जी? छुट्टे दुआने? छुट्टे दुआने? बात यह कि मेरे पास 100 रुपए का नोट है और हमारे काका के पास 100 रुपए का कभी छुट्टा ही नहीं होता। क्यों काका? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। जब एक शरीफ लड़का किसी शरीफ लड़की से प्यार करता है तो उन्हें शादी कर लेनी चाहिए, और जब शादी हो जाती है तो बच्चे भी होने चाहिए, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए घर चाहिए, अपने लिए और उनके लिए कपड़े चाहिए, बड़े हो जाएं तो पढ़ने लिखने के लिए स्कूल भी भेजना चाहिए ना। लेकिन लॉन्ड्री में मुझे सिर्फ 45 रुपये महीना मिलता है। अब आप ही बताइए कि इस 45 रुपये महीने में कोई घर गृहस्थी का इतना बड़ा बोझ कैसे उठा सकता है? अकेले नहीं उठा सकता, मगर दोनों मिलकर उठा सकते हैं। तो क्या तुम्हारा मतलब है तुम और मैं? मेरा मतलब है तुम और मैं और तुम। कल मुझे छुट्टी है, सुबह मैं तुम्हारे पिताजी से मिलने आऊंगा। ठीक है, thank you.
इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल कहता है दिल रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहां मंजिल प्यार हुआ बदलेगा कभी तुम ही कहो इस राह का नींद न बदलेगा कभी प्यार जो टूटा साथ जो छूटा चांद न चमकेगा कभी क्या हो? आप तो तुम्हारी स्त्री गरम नहीं होती स्त्री अबे आग लगे भाई बंद करो ये बंद करो
किसने किया? ये स्त्री किसकी है? साहब, ये मेरी गलती से होगा। मैं स्त्री गर्म छोड़ गया था, मुझे माफ कर दीजिए। शाबाश, तुमने सच बोला। इसलिए सिर्फ तुम्हें 10 रुपए जुर्माना किया जाता है और कल काम भी करना होगा। कल? साहब कल तो संडे, छुट्टी का दिन है। कल मेरा कोई इंतजार कर रहा होगा साहब। ओ शट अप। यस सर। ए गेट तीन गुलाम, तीन बेगम और आपके पास तीन बादशाह और मेरे पास तो तीन इक्के हैं जी। शाबाश। बहुत खूब। माफ कीजिएगा मैम साहब जी, मैं वो कपड़े जी मैम साहब जी, वो बात ये है जी कि मैं लॉन्ड्री से कपड़े ला, जॉनी का ड्रेस सूट जी ड्रेस सूट, बिल्कुल ड्रेस सूट। मैं वो सनलाइट सोप कंपनी, मेरा मतलब सनलाइट लॉन्ड्री, जय भारत लॉन्ड्री से आया हूँ मैम साहब। मैं चाहता हूँ रिसीट साइन कर दीजिए। इधर आओ, बैठ जाओ। माफ कर दीजिए मैम साहब, मेरी गलती है जी। वो तो मैं मेरी शिकायत मत कीजिएगा मैम साहब, मेरा मालिक बहुत जाले में मुझे नौकरी से निकाल देगा। आप बैठ जाओ। मैम साहब मैं कुछ नहीं जानता करो। मुझे गलत मत समझिए मैम साहब, ये मेरा धंधा नहीं है, ये तो मैं वक्त काटने के लिए 9-2-11 किया करता हूँ। बांटो अब। देखिए अपने पत्ते, तीन इक्के हैं आपके पास। सच कहता हूँ मैम साहब, मैं 420 नहीं हूँ, तीन बादशाह मेरे पास। देखिए कमाल है, बहुत खूब। तो मैं जाऊँ मैम साहब? देखिए मैम साहब, मैं सच कहता हूँ, मैं पत्तेबाज नहीं हूँ। पुलिस को मत कहिएगा मैम साहब, मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं सच कहता हूँ, मेरा मालिक बहुत जुल्मी है। देखिए आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम साहब, मेरी रसीद। बैठ जाओ, मैं अभी आई। जॉनी मेरी बात सुनो, बड़े पत्तेबाज बनते हो उस कमरे में आओ, मुझका जादू कर दिखाओ। जब भी पत्ते बांटता है तीन एक ही निकालता है। जॉनी उठ जाओ। ओह शराब शराब शराब,
कभी तो होश में आया करो। जॉनी, जॉनी पार्टी में जाना है, देर हो रही है। पार्टी? कैसी पार्टी? मुझे कहीं पत्ता वत्ता खेलने नहीं जाना है। जॉनी कुछ तो सोचो कि मैं कितनी मुश्किलों से ये दावतें लाती हूँ और तुम हमेशा शराब में बेहोश पड़े रहते हो। जॉनी, जॉनी मेरे पास उस कमरे में एक बहुत होशियार बल्लेबाज, मैं सब कुछ सिखा सकता। तो फिर उसी के साथ चले जाओ ना, मुझे कहीं पार्टी वार्टी में नहीं जाने का। जाओ। मैं फोन कर देती हूँ कि हम नहीं आ रहे। गेट आउट। पुलिस को मत बुलाइए मैम साहब, पुलिस को मत बुलाइए, मैं बड़ा गरीब आदमी, मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा मैम साहब। पुलिस? पुलिस को तो बुलाना ही पड़ेगा अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आप क्या चाहती हैं मैम साहब? देखिए मुझे गलत मत समझिए, मैं शरीफ आदमी हूँ, आप मेरी रसीद साइन कर दीजिए मैम साहब, मैं चला जाता हूँ। वो भी हो जाएगी, ड्रेस सूट। कपड़े बदलो। जी नाम राज है, सब लोग मुझे राजू कहते हैं। मैं जय भारत लॉन्ड्री में काम करता हूँ, 45 रुपया पगार मिलता है, कपड़े जल जाए तो उसमें से रुपया कट जाता है। मैम साहब मेरा मालिक बहुत जालिम है, इस सूट में देखेगा तो मुझे नौकरी से निकाल। भूल जाओ इन सब बातों, भूल जाओ तुम किसी लॉन्ड्री में काम करते हो, ये भी भूल जाओ कि तुम्हारी तनख्वाह सिर्फ 45 रुपए है। मैं तुम्हें एक नया जीवन देना चाहती हूँ, समझे? इस वक्त तुम वो लॉन्ड्री में काम करने वाले राजू नहीं, राजकुमार हो, बड़े आदमी हो, अमीर हो, दौलतमंद, तुम्हारे तन पे अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इस लिबास में तुम जहां भी जाओगे लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, बड़े बड़े सेठ सौकार तुमसे बात करने में अपनी शान समझेंगे। देखते जाओ मैं तुम्हें कहां से कहां पहुंचाती हूँ, जहां दौलत है, इज्जत है, ऐश आराम। आज मैं तुम्हारे लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही हूँ। कर रहे सरकार, मैं तो वेटर हूं। ओ, तो क्या हुआ? मैं धोबी हूं। राजकुमार साहब, क्या बुद्धों जैसी हरकतें कर रहे हो? हेलो हेलो, तुम्हारे चेहरे पे तो राजकुमारों जैसी शान होनी चाहिए, ये मत भूलना कि तुम एक राजकुमार हो, समझे? तो ये लीजिए, एक नकली चेहरा उतार कर दूसरा नकली चेहरा लगा लेता हूं। चलिए चलो,
लो माया, बड़ी सडनली ये चांद किधर से चमका? हेलो पीलाचंद जी, इनसे मिलिए, आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर। ओह पीपली नगर, हाउ डू यू डू राजकुमार साहब, बड़ी सडनली आज पार्टी आला ग्रांड रहेगी, आइए आइए मेरे दोस्तों से मिलिए, आइए आइए। हाँ तो कहिए, आप ताश तो जरूर खेलते ही होंगे, यही फ्लश? जी हाँ, अगर 3 इक्के ना निकल बड़ी आज मजा आएगा पार्टी का। नो सेठ साहब, पर अभी पहुंचा। आइए सेठ साहब। आइए आइए सेठ साहब, बस आप ही का इंतजार था। हाँ आप उनसे मिलिए, आप हैं राजकुमार ऑफ पीपली नगर। हाँ हाँ पीपली नगर, और आप हैं सेठ सोनाचंद धर्मानंद, कॉटन और बुलियन किंग। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई सेठ साहब। याद पड़ता है कि राजकुमार साहब को कहीं देखा है, शायद रास्ते में। हो सकता है सेठ साहब, बात यह है कि आपका और मेरा रास्ता भी तो एक ही है। राजकुमार साहब बड़ी आला ग्रांड आदमी है। चलिए ना, अब देर किस बात की है, एक आध बाजी ही हो जाए। नॉट अ पैड। हाँ हाँ चलो भाई, चलो 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 भाई, आप चलो भाई चलो। बड़ी घबराती क्यों हो मैडम, सडनली लग चेंज होगा तो सब तुम्हारे पास आ जाएगा। मुझे तो मन झुका लेकर राजकुमार की याद आता है। मानती राजकुमार साहब। अरे रे रे, अपन तो पत्ते देख के चलेंगे भाई, अपना तो 200 रुपया इन 600। मारा भी 200 रुपया इन। ओह वरी सडनली, ओह क्या करती हो, ट्रेल आ गया है क्या राजकुमार साहब? आज सडनली खेल हो गया मजेदार। मेरे 400। ये बाजी आप दोनों में ही रह जाए तो अच्छा है। मेरे 200 की प्लाइट। वेरी गुड, वरी अपने पत्ते तो देख लीजिए राजकुमार साहब, 400 की चाल है। राजकुमार के टक्कर का खेलने वाला यहाँ कोई नहीं, क्या ख्याल है आपका? 400-500 में बहुत देर लगती, 1000 ही करती। वरी सडनली 1000 की चाल, काउंटर को नहीं 1000 नकद की चाल। एक और, क्यों दौलत लुटाते हो राजकुमार जी, वरी यहाँ तो रुपया भी नहीं। चलिए शो कीजिए, 3 बादशाह हैं मेरे पास, इससे बढ़कर आपके पास क्या हो सकता है? इतनी जल्दी क्या है? 3 आज मेरा लक आला फूस हो गया। क्या कहा था मैंने आपसे? देखा? देख रहा हूँ। वाहनो नाम के पट्टा जोश बानो तन तन बास्ता पर 3-3 एक का चाला आवे। अरे राजकुमार जो ठहरे, कहते हैं रुपए को रुपया खेलता है। नहीं नहीं नहीं, ये तो साफ लकनी बात है। अजी पत्तों के खेल में लक की क्या बात, ये तो हाथ की सफाई है। हाँ वो मैंने कहा राजकुमार साहब, जीतते जीतते थक गए ना, अब चले, बहुत देर हो गई, और फिर सवेरे आपको प्लेन से पीपली नगर भी तो जाना है। जी तो ये काउंटर आप कैश करा दीजिए। यस प्लीज है। अच्छा तो इजाजत है, जरा ठहरिए राजकुमार साहब, एक बाजी हमसे भी हो जाए। तो सडनली ये तो आला ग्रांड हो गया। वाह साहब, बैठिए बैठिए, वेरी एक्साइटिंग, ये तो बिल्कुल मान तो कर वाला किस्सा हो गया। काउंटर से नहीं, नकद। बात तो बहुत मजे की है, हो जाए राजकुमार साहब। हाँ साहब, अपना सेठ साहब ने तो नगद पर वाट छे। जी नगद। एक मिनट राजकुमार साहब, पत्ते मैं फेंटूंगा।
राजकुमार साहब, अब बात ये। जी नहीं, अब मैं नहीं पाटूंगा। आपने मुझ पर शुभा किया है, मेरी इंसल्ट की है सेठ साहब, इसलिए पत्ते आप बांटे, ये मेरी इज्जत का सवाल। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया सर साहब, बढ़िया। 100 रुपया ब्लाइंड, 200 ब्लाइंड, 200 ब्लाइंड। इस तरह बहुत देर लग जाएगी, बस एक ही दफा में 1000 ब्लाइंड हो जाए। 1000 ब्लाइंड, दो हजार की चाल, बस दो चार ब्लाइंड चालें और चली होती तो बड़ा मजा आता सेठ सर। खैर, चार हजार की चाल, मेरी भी एक चाल। मामला गंभीर है सेठ साहब, इजाजत हो तो मैं अपने बड़े भाई से मशवरा कर लूं टेलीफोन पर। पूछ लीजिए, लेकिन पत्ते आपके सामने रहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अपना सेठ ने पन टक्कर वाला मिला के। ये राजकुमार साहब बड़े दिल वाले हैं। क्यों माया देवी, ये पीपली नगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में? जी नहीं, मध्य प्रदेश में। जी, जी भाई साहब, पत्ते, पत्ते वही है जी। जी हाँ जी, 50,000। ओ बहुत अच्छा जी। हाँ माता जी से कहिए, मैं भी आता हूँ। भाई साहब कहते हैं अगर पत्ते अच्छे हैं तो 50,000 तक चल सकते हो। वही को जी। हाँ ये 10,000 की। अरे ये क्या किया सेठ साहब, शो तो करवाई होती। जी नहीं, मालूम होता है आपके पास फिर तीन के आ गए। खैर यूं ही सही, तो इजाजत है ना। ये राजकुमार साहब प्लीज आप तो पत्ते दिखा दीजिए। 2-3-5 यही मारा आपने। माफ़ आपका बड़ा नुकसान किया मैंने। नुकसान की क्या बात है, आपसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। ये ड्रेस सूट रख दो उधर। नेम साहब ये गोलमाल कितने का है? होंगे कोई 20-1 हजार, मगर तुमसे मतलब। 20,000? इतना रुपया? और ये सब मैंने अपनी चालों से बनाया है मेम साहब। तो अब तुम अपनी सबसे तेज चाल दिखाओ और यहां से चलते फिरते नजर आओ, समझे? मेम साहब ये रुपया मैंने कमाया है, इस रुपए में आपका और मेरा बराबर का हिस्सा होना चाहिए। बराबर का हिस्सा? नहीं
मेरी बराबरी करते हो? तुम हो कौन? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दे दी तो दिमाग खराब हो गया। हम लोगों की बराबरी करते हो? अपने औकात मत भूलो कि तुम एक लॉन्ड्री में 45 रुपए में नौकर हो। कपड़ों में नजर डालो, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो। लॉन्ड्री से कपड़े लाए थे ना, ये है उसकी रसीद। और हां, ये लो। तुम्हारी बख्शीश। गेट आउट। हैसियत क्या? मैंने चंद घंटों के लिए तुम्हें एक नई जिंदगी उधार दी तो दिमाग खराब। हम लोगों की बराबरी करते हो? आज तक भूलो कि तुम एक लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर हो। कपड़ों में नजर डालो, अपनी सूरत आईने में देखो और जाओ वापस उसी गटर में जहां से तुम आए हो। ये राजकुमार साहब, पीपली नगर में कपड़े ही कपड़े धुलते हैं। अफसोस की बात है, आप जैसा काम का आदमी एक धोबी खाने में सड़ रहा है। जी, और करी कह सकता हूं, माया ने आपको धोखा दिया, बहुत बुरा किया। छी 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 छी, धंधे में ईमानदारी निहायत जरूरी है। खैर, 20,000 रुपए तो आपके हाथों की मैल है, देने वाले ने तो आपको दबाव दिया है। आप चाहें तो लाखों करोड़ों पैदा कर सकते। आप तो यूं कहें जैसे करोड़पति बनना बाएं हाथ का खेल है। ये रख लीजिए, नए धंधे की पेशगी, एडवांस लीजिए। मैंने कहा था ना, आपसे मुलाकात हो गई, इसमें फायदा ही फायदा है। अच्छा, फिर मिलेंगे। Thank you.
दीदी मैं क्या करूँगा? नहीं पिताजी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आज दिवाली की रात है ना पिताजी, आप कपड़े बदल लीजिए। तुम? मैं तो समझी, कोई जेंटलमैन खा गई ना तुम भी कपड़ों से धोखा। मगर तुम फिक्र मत करो, अपना सब माल किराए पर। किराए पर कपड़े? हाँ, और क्या, आजकल कपड़े, जेवर, इज्जत, आबरू, हर चीज किराए पर मिलती। मैं तो समझी तुम आओगे ही नहीं, भला तुम्हें देवी पूजा के लिए कहां फुर्सत। देवी पूजा के लिए तो आया, ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। अरे हाँ, दिवाली मुबारक। तुम्हें भी। पंडित जी कहाँ? अंदर है। इतनी कीमती साड़ी, क्या ये भी? ये किराए की नहीं, मेरी कमाई की सबसे पहली भेंट। अब जल्दी से पहन लो और चले। कहाँ? लक्ष्मी पूजा को। लेकिन ये इतनी अच्छी साड़ी मैं? हाँ पहन लो ना पिताजी। जब कोई भेंट दे तो उससे बहस नहीं किया करते, वरना किसी का दिल टूट जाता है। जा पहन ले। नमस्ते पंडित जी। जीते रहो बेटा। अरे खड़े क्यों, बैठ जाओ। जी हाँ। कौन से मंदिर जा रहे हो? मंदिर? जी मंदिर, वो लक्ष्मी मंदिर। लक्ष्मी मंदिर, आज दिवाली है ना, तो मैंने सोचा कि विद्या को शहर की रोशनी दिखा लाऊं। जरूर जरूर जी। भैया आज बड़े अच्छे लग रहे हो, कपड़े भी बढ़िया पहने। क्यों, कोई खजाना मिल गया क्या? खजाना? खजाना तो नहीं, खजाने की चाबी जरूर मिल गई। बस अब देखते जाइए, थोड़े दिनों में सारी बंबई अपनी हो जाएगी। जीती रहो बेटी, भगवान तुम दोनों को सुखी रखे। आप नहीं चलिएगा पिताजी, रोशनियां देख ले? नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, रोशनी देख। जाओ बेटा जाओ। मंदिर जा रहे हैं, यही तो है लक्ष्मी का मंदिर, और ये सब है उसके पुजारी। देखते जाओ। हेलो राजकुमार साहब, हाउ डू यू डू राजकुमार? हेलो पीलाचंद जी, कहिए कैसे हैं आप? परी उस दिन हमारी जेबें आला फूस करके आज दर्शन दिखा रहे हैं। क्या पिपली नगर गए थे क्या? पिपली नगर नहीं, पीपली नगर। वरी सडनली ये चांद किधर से चमका? जरा इंट्रोडक्शन दीजिए ना, आप कहाँ की राजकुमारी हैं जी? ये है विद्या देवी, विद्यानगर की राजकुमारी। हाउ डू यू डू राजकुमारी? दरअसल विद्या देवी आजकल के जमाने में राजकुमारी कहलाना पसंद नहीं करती। ओह वेरी गुड, अ डेमोक्रेटिक राजकुमारी। हाउ डू यू डू? प्लीज राजकुमारी हमारे टेबल पर आइए ना, आइए ना, आइए आइए। हेलो राज, कहाँ जा रहे हो? बैठिए आइए ना। प्लीज सिट डाउन। आप शायद रेस में नहीं आई थी डार्लिंग। राजकुमारी जी ब्यूटीफुल, रियली वेरी गुड। छोटा वोटा पीजिएगा। राजकुमारी जी आप अपनी उम्र बताइए मुझे। कितने हसीन लगते हो इन कपड़ों में, तो हो आज पास खिलो। 10 रुपए की बख्शीश के लिए माफ कीजिए, मुझे फुर्सत नहीं।
हेलो राजकुमार, आज मानते कारने वाली महफिल जमेगी। व्हाट हैंड्स ही हैज गॉट, अल्लाह ब्यूटीफुल। वेरी सडनली आज सब पैसा इधर जाएंगे। हेलो माया, आइए आइए इनसे मिलिए। आप हैं राजकुमारी ऑफ विद्यानगर। विद्यानगर जैसे ये राजकुमार हैं, वैसी ही ये राजकुमारी। सर्टेनली सर्टेनली माया देवी। हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू। साड़ी तो बहुत अच्छी पहन रखी, कहाँ से ली? ओ लीला राम से ली होगी, मेरे पास भी एक ऐसी ही साड़ी है, आज पहन कर आने वाली थी लेकिन लॉन्ड्री से धुल कर नहीं आई। क्यों राजकुमार साहब, गुड बाय डार्लिंग। राजकुमारी माया सब समझा सकता हूँ, चलो मैं यहाँ से कहीं चले चलते। शुक्रिया राजकुमार साहब, मुझे बाहर जाने का रास्ता मालूम है। सुनो विद्या। हेलो राजकुमार साहब, कौन थी विद्या? विद्या कहाँ जा रहे हैं राजकुमार साहब? वो विद्या चली गई। अरे जाने दो, एक गई दस मिलेगी। अब तुम नई जिंदगी में कदम रख रहे हो और आज तो दिवाली की रात है, बड़े ऊंचे पैमाने पे ताश खेलने वाले हैं। आप तो समझते हैं नए धंधे का एडवांस ले चुके हैं। सेठ साहब विद्या, विद्या आज की रात तुम्हें विद्या की जरूरत नहीं, माया की जरूरत है। माया देख मुड़ के ना देख मुड़ के ना देख मुड़ के ना देख मुड़के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ के ना देख मुड़ के ना देख।
दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। हे जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर हैं। हे मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। का नाम सोने की चिड़िया का, जानती हूँ मैं कौन, चिड़ी का गुलाम। तुम पी कर आए हो राज, नशे में धुत। जमाना ये समझा कि हम पी कर आए। खूब जोर से और बात भी कितनी खुशी की, आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ, मेरी जगह साई हुई। जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजरें नीचे करनी पड़ी। लोग क्या कहते होंगे? लोग कहते हैं तो कहने दो, जमाने ने हमारे लिए क्या किया जो हमें जमाने की परवाह हो। जब मैं भूखा था तो दुनिया ने मुझे खाना नहीं दिया, और जब मैं बेकार था तो दुनिया ने मुझे काम नहीं दिया, और जब मैं बेघर था तो इसी दुनिया ने मुझे रहने के लिए मकान नहीं दिया। मगर अब तुम देखोगे, यही दुनिया हमारी इज्जत करे, हमें झुक झुक के सलाम करे, इसलिए कि ये देखो, जानती हो ये क्या है? दौलत, इज्जत, नाम, शोहरत, सुख चैन, ऐशो आराम है। इसमें तुम्हारे लिए और मेरे लिए एक नई, मेरे लिए और तुम्हारे लिए। चोरी की है, तुमने चोरी की है। हाथ की सफाई मैडम, इधर का पत्ता उधर और उधर का पत्ता इधर। तुमने पत्ते लगाए, बेईमानी की है, मगर बेईमानी का फल कभी मीठा नहीं होता है। तो ये देखो बेईमानी का कड़वा फल। पूछ क्या, गिरे भी तो कागज के इन टुकड़ों के लिए राज। एक दिन किस्मत की कोई आंधी आएगी और इन्हें उड़ाकर ले जाएगी, मगर तुम बेईमानी की इस कीचड़ में पड़े इन्हें ढूंढते रहोगे। राज, 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 राज जाल में ना फंसो, धोखेबाजी और बेईमानी की इस कीचड़ में ना गिरो। राज, ये उन लोगों से जाकर कहो जो इसी कीचड़ में से हीरे जवाहरात बनाते, झूठ बेईमानी और धोखे से लाखों रुपए कमाते और इस दुनिया के मालिक बने हुए। लेकिन ये ईमानदारी का उपदेश हमेशा गरीब आदमी को दिया जाता है कि तुम दिन भर मेहनत करो, काम करो,
और फिर ईमानदारी की रूखी सूखी खाकर भगवान और धनवान का शुक्र करो। कितने बदल गए हो तुम। एक दिन तुम फटे पुराने कपड़े पहनकर आए और मैं समझी थी कि मेरी जिंदगी में कोई बिगड़ा दिल शहजाद आ गया। राज तुमने कहा था भूल जाओ उस राज को, उस राज को भूल जाओ जो था सो था, मुड़ मुड़ के ना देख मेरी जान, मुड़ मुड़ के ना देख, अब हम एक नई दुनिया में कदम रख रहे। बोलो साथ देना, बोलो बोलो साथ देना। जिस दुनिया में तुम पहुंच चुके हो राज, वहां हर चीज बेची और खरीदी जाती है, मगर मैं बिकाऊ नहीं, समझे, मैं बिकाऊ नहीं हूं। बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। याद रखना मैडम, तुम और तुम जैसे ईमानदारी का राग अलापने वाले भूखे मरेंगे, भूखे मरेंगे। मैं भूखा नहीं मरूंगा, मेरे पास दौलत है, पैसा है, नाम है, इज्जत है। क्यों हो, चले आओ, आओ। कहो, काम शुरू करने के लिए तैयार हो? शुक्रिया सेठ, लेकिन मुझे काम क्या करना हो? काम? यस, सोनाचंद धर्मनंद स्पीकिंग। कौन, किलाचंद? क्या तकलीफ है? 1,000 टन चावल का ऑर्डर नहीं सप्लाई कर सकते, सिर्फ 800 टन मिलता है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? अगर चावल नहीं मिलता तो 200 टन कंकर पत्थर तो मिल सकता है। इडियट, कुछ समझे? कुछ कुछ समझ में आ रहा है। तो तुम्हारे लिए कोई काम सोचना होगा। बिल्कुल सेठ साहब। कोई ऐसा काम होना चाहिए जिसमें लोगों को दिलचस्पी हो,
ये बताओ कि आजकल लोग क्या चाहते हैं? सेठ साहब, लोग तो ये चाहते हैं कि किसी तरह रातों रात लखपति बन जाए, चाहे रेस का घोड़ा लग जाए, सट्टे का नंबर लग जाए, मट्टी में से सोना निकाल ले। तो तुम भी मिट्टी में से सोना निकालो। जी जी, मैंने कहा नहीं था कि तुमसे मुलाकात हो गई? इसमें फायदा ही फायदा है। ए भाई साहब, तिब्बत में सोने की कंपनी का ऑफिस यही है? यही है। किससे मिलना है जी आप? राज, राज, राज एंड कंपनी। बस तो दफ्तर में चले जाइए भाई साहब। तीनों राज अंदर हैं? जी जी हाँ, जितने सब अंदर हैं। अच्छा अच्छा। हेलो चंकल, ओवरसीज, न्यूयॉर्क। यस यस Yes, yes, Raj, Raj, Raj and Company Limited, managing agents for Tibet Gold Company. No, 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 please. No, 20,000. No, 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 no. I can give you 10,000 shares. All right. Goodbye. All right. Ji, namaste. Aayye, aayye, sir ji, aayye. Raj. Ji, haan, aapka sevak. Dusre Raj. Wo bhi yahi hai. Bas ye samajh lijiye ki puri Raj, Raj, Raj and Company aapke samne hazir hai. Tashreef rakhiye. ये क्या सेवा कर सकता शाब, हम तो तिब्बत में सोने। ओफो, तिब्बत में सोना, जिसे देखो तिब्बत में सोने की ही बात करता। सेठ साहब, ये तिब्बत गोल्ड कंपनी क्या खोली है मैंने कि मुसीबत मोल ली है। जानते हैं आप, दुनिया के कोने कोने से अमेरिका, जापान, टोक्यो, इंग्लिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, हर जगह से टेलीफोन कॉल्स आते हैं और सुनते। क्या कहा तुम? हेलो साहब, आसामी मालदार है, कहिए तो अब जापान से टेलीफोन दे दूं? लीजिए, जापान से ट्रंक कॉल आया। हेलो टोक्यो, ओ उनाकाशी, मिशी मिशी उनाकाशी, ओहायो गोजाइमोस, ओहायो गोजाइमोस, तिब्बत गोल्ड कंपनी, राज 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 एंड कंपनी, तांगवा सांगवा तुम्हा, मांगवा यांगवा, त्वा त्वा त्वा, हाँ तू आंगवा जाजो कोई ना, 200 शेयर्स मांगते हैं। अब आप बताइए मैं कैसे? सेठ साहब, मैं तो निहोला हो मा, जम तो इमा जाने न पाए साहेब, जम तो इमा ये हो यो हो शुमा हा 100 100 पे राजी कर रहा हूँ उसे। मांगुआ मांगुआ वायो को जाए मुसका, हाँ वायो को जाए मुस, हाँ त्वा 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 त्वा। बड़ी मुश्किल से 100 पे माना है सेठ साहब। सेठ साहब, एक बात पूछता हूँ आपसे, तिब्बत में सोने की कान किसने निकाली? तुमने। गलत, हम हिंदुस्तानियों ने सेठ साहब, हम हिंदुस्तानियों ने, और दुनिया भर के व्यापारी मेरा पीछा कर रहे हैं कि हमें शेयर्स दो। बोलिए तो क्या करूं? तो हमसे भी धंधे की बात कर लीजिए राज, राज जी, अपनों भी यही धंधो है, बस अपने को 50 शेयर दे दीजिए। 50 शेयर? हाँ साहब, और फिर ले लूंगा। देखिए जी, शेयर्स की मांग बढ़ गई है, ये तो आप देख ही चुके हैं। मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता। अरे साहब, ऐसा कैसे जुलम करते हो? देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, ये सोना कंपनी भी हिंदुस्तानी है, पहले हमारा हक है। बिल्कुल आपका हक है शेख साहब, ये सब कुछ मैं किसके लिए कर रहा हूँ? लेकिन मैं आपको 20 शेयर से ज्यादा नहीं दे सकता। नहीं साहब, ये 5,000 रुपया ले लीजिए, और देखिए आशा ये लीजिए, बस 50 शेयर मेरे कर दीजिए। आशा, ऐसा मालूम होता है आपकी हमारी बहुत पुरानी जान पहचान है। आशा, आप मजबूर करते हैं मुझे सेठ साहब। कृपया आप ही देखिए, पास वाले कमरे में कैशियर से सर्टिफिकेट्स ले लीजिए, मैं लिख देता हूँ। साहब, एक बात मेरी मानिए, तिब्बत में सोना निकालने का धंधा जल्दी शुरू कर दीजिए। आप लोगों की कृपा से ये काम तो शुरू भी हो चुका है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। नहीं नहीं बेटी, ये इल्म है, ये विद्या है, इसको मत बेच। तेरे को 10-20 रुपया मांगता तो मेरे को बोलने। लेकिन काका, हम कब तक? अरे क्या दिल तोड़ने वाली बात करती है बेटी। हाँ सुना है बहुत जल्दी तेरी शादी होने वाली है, फिर तो तेरी किस्मत ही बदल जाएगी।
नहीं काका, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्यों, पंडित जी तो कहते थे कि विद्या ने भी लड़का पसंद कर लिया है, क्या हुआ, लड़का बुरा निकला? नहीं काका, मेरी किस्मत बुरी निकली। नहीं नहीं बेटी, तू तो बड़ी किस्मत वाली है। देख याद रखना, मैं फिर बोलता हूँ, एक दिन कोई बिगड़ा दिल शहजादा कहीं से घूमता घामता आएगा और आओ आओ सेठ, आपने तो बहुत दिन बाद दर्शन दिए। दर्शन तो देवियों के होते हैं। हेलो विद्या, कहो तुम यहां कैसे आई? विद्या बेचने आई थी। अजीब इत्तेफाक, तुम विद्या बेचने आई हो और मैं ईमान खरीदने आया हूं। ये लीजिए अपने 50 रुपए, और मेरा मेडल वापस ला दीजिए। हाँ सेठ, अब भी लाता हूँ, अब भी लाता हूँ, मगर जरा ठहरो। हाँ भाई, कहो तुम्हारा स्कूल कैसे चल रहा है, जहां तुम नन्हे मुन्ने धर्मात्मा बनाती हो? स्कूल बंद हो गया और नन्हे मुन्ने धर्मात्मा गलियों और बाजारों में आवारा फिरते, गुंडे मवाली और 420 बनने की तैयारियां कर रहे। स्कूल बंद हो, ये तो बहुत बुरा, मैं कुछ मदद कर सकता? शुक्रिया, आप अपने रुपयों से अपनी पसंद का स्कूल खोल सकते हैं, जहां बेईमानी के पैसे से ईमान खरीदना सिखाया जाए। तुम्हारा ईमान, अरे नहीं जाता किधर, अरे अपना ईमान तो लेते जाओ। देख रहे हो तुम्हें क्या बताऊं, एकदम फ्रेश नजर आते हो। वाह वाह वाह, ये कलप लगे कॉलर है, ये बो, ये सूट, वाह वाह वाह, क्या कहने। क्यों राजा, बड़े आदमी बनने के लिए जो चाहिए सब मिल गया ना, अब तो खुश हो? क्यों, क्या हुआ, खुश हो ना? नहीं राजू, मैं बहुत दुखी, न जाने क्या हो गया। तू तो जानता है कि मैं बड़ा आदमी नहीं, मैं क्या करूं, तू कहां चला गया राजू? राजू, राजू, राजू! आओ विद्या बेटी, आज तो बहुत देर लगा दी तुमने। हेलो, नहीं आज चाय नहीं चाहिए। क्यों, अरे तू ही तो मेरी दोस्ती की रात है, लो। आज तो मेरे पास दो आने भी नहीं। अरे तो क्या हुआ, यहाँ तो ऐसे ऐसे 420 चाय पीकर चले जाते हैं जो सूरत तक नहीं बताते। वाह, बहुत दिनों के बाद आए हो राज, क्या ठाट है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लाया। ठहरो विद्या, मुझे तुमसे कुछ कहना। मगर मुझे कुछ नहीं सुनना, अब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, बैठ। ए लो, बड़ी अच्छी चाय लाया हूं, ले लो, ले लो। कुछ याद आया, एक दिन इसी तरह हमने यह चाय पी थी,
कुछ वादे किए थे, एक सपना भी देखा। याद है मैंने कहा था हमारा घर होगा, गृहस्थी होगी, हमारे बच्चे बड़े होंगे तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ने जाएंगे। विद्या में जो कुछ भी कर रहा हूं उसी सपने को सच देखने के लिए कर रहा हूं। तो कोई और काम नहीं कर सकते थे जहां बेईमानी का धंधा ना चलता? मुझे समझने की कोशिश करो विद्या, मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना तुम मुझे समझती हो। अगर मैंने धोखा दिया तो उन लोगों को जो खुद धोखेबाज हैं, झूठे हैं, या तुम्हें हमदर्दी ऐसे लोगों से? मुझे हमदर्दी है तो सिर्फ तुमसे, इसलिए कि जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो जानते हो तुम्हें कहां ले जाएगा। तुम मुझे अपनी घरवाली बनाना चाहते हो, कल तुम किसी जेलखाने की कोठरी आबाद करोगे तो फिर मैं किसकी घरवाली कहलाऊंगी? बड़ी हसरत है ना तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़े, मगर जानते हो उनके साथी उन्हें क्या कहेंगे? कि उनका बाप एक धोखेबाज और 420 है। जरा सोचो, हम जैसे लोग पैसे के बगैर कर ही कह सकते? इस दुनिया में तो सांस लेने के लिए भी पैसा चाहिए। पैसा पैसा पैसा, और आज क्या किया? ये क्या किया तुमने? ये क्यों किया तुमने? अपने आप को ही, मुझे, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा बोलो? तुमने क्यों किया? किस लिए? सूटों के लिए, गाड़ियों के लिए, इस झूठी शान और इज्जत के लिए? बोलो राज। विद्या, इस झूठी शान और चमक दमक के लिए तुम अपना सब कुछ खो बैठे हो तो जाओ उसी राजमहल होटल में जहां तुमने अपनी इंसानियत बेची है और वहीं से अपनी पसंद की मोहब्बत भी खरीद लो। Come on, 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 come on
रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी तू और था तेरा दिल और था तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया परदेश में सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल सोने चांदी के बदले में बिकते हैं दिल इस गांव में दर्द की छांव में प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल प्यार के नाम पर ही धड़कते हैं दिल चांद तारों के तले रात ये गाती चले तारों के तले रात चले मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया याद आती रही दिल दुखाती रही अपने मन को मनाना वहीं से दूर से ही तू ही कह दे कभी मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया मुसाफिर वही एक तारा न जाने कहाँ छुप गया एक तारा न जाने कहाँ छुप गया दुनिया वाले वही कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया कोई क्या जाने किसका जहाँ लुक गया मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मेरी आंखों में रहे कौन जो मुझसे कहे मैंने दिल तुझको दिया मैंने दिल तुझको दिया ओ रमैया वस्ता वैया रमैया वस्ता वैया
रमैया बसता भैया, रमैया बसता भैया। मैया, मैंने कहता था कि हमारा राज जरूर आएगा और जब आएगा तभी हमारे घर बनेंगे। अरे हमारा बेटा है। राज भैया, हम तो समझते थे कि तुम सूट बूट पहनकर हमें भूल गए। अरे क्या बात करते हो, एक बार जो फुटपाथ पे सो गए कभी हम फुटपाथ वालों को भूल सकता है। अच्छा राजू भैया, ये तो बताओ कि हम लोगों के घर कब बनेंगे? घर? हाँ हाँ, तुम्हारे इश्तेहार ने तो सारे शहर में खलबली मचा दी है राज भैया। इश्तेहार? मेरा इश्तहार? अरे हाँ हाँ राज भैया, ये देखो ना। अरे ये तो अपने जान से भी प्यारा है। राज भैया ये देखो। अपना घर, 100 रुपए में अपना घर। अब कोई फुटपाथ पर नहीं रहेगा। बेघरों के लिए खुशखबरी, जनता के लिए जनता कर, सिर्फ 100 रुपए। आपका सेवक राजकुमार सक्सेना जनता घर के सोनाचंद मिल चुके। राज भैया, क्या मैं पूछ सकता हूँ सेठ सोनाचंद धर्मानंद, ये इश्तहार मेरे नाम से किसने दिया और इसका क्या मतलब है? राजमहल से क्यों चले आए? माया थोड़ी बड़ी शिकायत कर रही थी। माया को यूं ठुकराना अच्छा नहीं। 100-100 रुपए का घर, ये इश्तहार तो आपने मेरे नाम से दे दिया लेकिन इस बात का यकीन कौन करेगा? 100 रुपए में मकान कैसे बन सकता है? तुम्हें किस उल्लू ने ये कह दिया कि मैं मकान बना के दूंगा? मैं घर नहीं बेच रहा हूँ राज, एक सपना नीलाम कर रहा हूँ। जानते हो इसी बंबई शहर में कई लाख आदमी फुटपाथ पर सोते हैं। इन कई लाख इंसानों की एक आरजू, इनका अपना एक घर हो, समझे? इसलिए गरीब से गरीब भी किसी ना किसी तरह 100 रुपए जमा करके हमें दे जाएगा ताकि हम इनका एक घर बना दे। सेठ सोनाचंद धर्मानंद, इस 420 के धंधे में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए। पत्ते लगाए, बोगस गोल्ड कंपनी के शेयर बेचे, सट्टे के नंबर उलट पलट किए। मुझे ये नहीं मालूम था कि एक दिन तुम मुझसे ये कहोगे कि गरीब आदमियों को धोखा देकर तुम्हारे खजाने भरे। कैसी बातें करते हो राज, इस नई दुनिया में अमीरों और गरीबों का भेदभाव रखना ही नहीं चाहिए। हम जैसा सलूक अमीरों के साथ करते हैं वैसा ही गरीबों के साथ करना चाहिए। तुम्हारा ख्याल है कि इस जलील काम में मैं तुम्हारा साथ दूंगा? हाँ, इसके सिवा तुम कर ही क्या सकते हो। मामला बड़ा बेढब है। पत्ते लगाए किसने? तुमने। ये राज 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 कंपनी चलाई किसने? तुमने। तो ले लीजिए अपनी गोल्ड कंपनी और बैंक में जितना रुपया वो भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ मन की शांति चाहता हूं, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। सुना, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहता। तुम समझते हो कि मैं कच्ची गोलियां खेला हूं राज? मैं चाहूं तो तुम्हें यूं खत्म कर सकता हूं। इस बोगस तिब्बत गोल्ड कंपनी की हर शेयर पर तुम्हारे दस्तखत है, मेरे नहीं। और जानते हो, तुम्हारी बोगस कंपनी के 50 शेयर मैंने खरीद रखे हैं। सबसे पहले धोखे का मुकदमा तुम पर मैं चलाऊंगा, दफा 420। नो राज, नो। अब तुम इस चक्कर से नहीं निकल सकते। विद्या ठीक कहती है, रास्ते पे मैं चल रहा हूं। उस रास्ते पे तुम्हें विद्या की नहीं माया की जरूरत है, माया की। क्यों, तुम तो बड़े बुजदिल निकले, मैदान छोड़कर भागना चाहते, मगर कहां, उस 2 टके की मास्टरनी के पास। क्या बकरी, न जाने तुम्हें उस गंदी चाल में रहने वाली छोकरी में क्या नजर आता है। ऐसी ऐसी सती सावित्रियां बहुत देखती हैं,
बाजार में टके की दो मिलती है। क्या कह रही हो? इतनी बेतकल्लुफी मत बरतो मेरी जान। विद्या देखेगी तो क्या कहे? शैतान विद्या का नाम लेती, शर्म नहीं आती, जान से मार डालूंगा। मार, जितना जी चाहता है मार, मगर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें कोई सती सावित्री नहीं मिलेगी। तुम्हारे लिए उनके दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके, सिर्फ मेरे दिल के दरवाजे खुले हैं। तुम्हें दुख किस बात का है? कल तुम लॉन्ड्री में 45 रुपए के नौकर थे, आज तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया, पैसा, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, घूमने के लिए अच्छी गाड़ियां, रहने के लिए अच्छा मकान, दौलत, इज्जत, शोहरत। दौलत, इज्जत, शोहरत, जिधर जाता हूं उधर ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाता। एक बात याद रखो राज, जो 100-200 हजार के चक्कर में रहते वो ज्वारी, धोखेबाज और 420 कहलाते। लोग उन्हें नीच समझ कर धुतकारते हैं। 420 करनी है तो ऊंचे पैमाने पर करो, सेठ सोनाचंद धर्मानंद की तरह लाखों और करोड़ों की बाजी लगाओ, और फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी तुम्हें 420 कहने, फिर तुम भी सेठ सौकार कहलाओ, दानी और धर्म पालक कहलाओगे, बड़े आदमी कहलाओगे। अरे जैसा नौजवान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज सोनाचंद धर्मानंद तुम्हारी अकल और तेजी से अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अगर तुम चाहो तो सिर सोनाचंद धर्मानंद को भी चक्कर में डाल सकती हो, तो इसके लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। तुम सच कहते, ऐसा ही घर बन गए जी। इस वक्त तक 1,14,557 नाम रजिस्टर हो चुके, 1,14,55,700 रुपए। शाबाश राज, तुम तो जीनियस हो, जीनियस। अरे सेठ साहब, मैं किस काबिल, जो कुछ है आपसे तो सीखा है। शोर कैसा, कौन लोग हैं? ये सब आपके हिस्सेदार हैं सेठ साहब, जिन्होंने आपको 100-100 रुपया दिया है घर बनाने का। कितनी बेचैनी से अपने जनता घर बनने का इंतजार कर रहे हैं। और फिर आज हम कंपनी के बारे में एक नया ऐलान भी तो करने वाले हैं। लोगों में इतना जोश देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। डर? ये तो सारा रुपया वापस कर दूं? जी माफ कीजिएगा, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं नाम रजिस्टर कराने। उनसे कहिए ऑफिस बंद हो चुका है, कल सुबह आए। हेलो, रुपया लाए हैं? जी तो आने दो, सोनाचंद ने रुपया वापस करना नहीं सीखा। फिर आप जाइए अपने कमरे में, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। जल्दी आना, आज रुपए का बंटवारा करना है। जी हा हा, काय मोठा राजवाड़ा है अपना रास्ता। आओ आओ गंगा माई, और तुम बैठो उस्ता, बैठो 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 बैठो। क्यों, याद है
ये बंबई है मेरे भाई, बंबई। हाँ, अब ये वो बंबई नहीं रहा। सुना है तुम हम जैसे गरीबों बेघरों के लिए घर बना रहे हो, सो फकीर की झोली रखता हूँ तुम्हारे सामने। इसमें इसमें 97 रुपए 6 आने और 2 खोटे पैसे, 2 रुपए 10 आने कम। भले एक खिड़की कम लगाना, लेकिन घर दे दे मेरे राजा। तुम फिक्र मत करो, 2 रुपए 10 आने तुम्हारी तरफ से मैं डाल दूंगा। बेटा, हम तेरे को आशीर्वाद देने को आया। तू तो मस्करे में मेरे को देवी बोलता होता, पर खरोखर का धर्मात्मा तो तुम है। हम लोग गरीब के वास्ते घर बनाता है। ये ले, ले, ले। 225 रुपये भिक्कू मंगो आणि अब्दुल के जलम भर की कमाई है। इनको घर बना दे बाबा, आणि याच्यामध्ये काही कमी पडेल तो ये ले, ये मंगलसूत्र ले, ये मेरे सुकरे के शादी में देने का होता, पण तुम ले, ये समदा पूरा करके इनका वास्ते घर बना दे। और गंगा माई, तुम्हें अपने लिए घर नहीं चाहिए, हमेशा दूसरों की फिक्र लगी रहती। माला मातारी को घर काय को बाबा, ये छोकर लोग के दार में पड़ा रहेगा। पन बार ये काम होइल ना? हाँ गंगा माँ, तुम जो कहोगी हो जाए। अच्छा, तुम ठहरे काम वाले आदमी, हम जाते हैं। घर जरूर दे देना। भगवान तुला सुखी ठेवल बेटा। राज, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है, हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बहुत दूर जा रहा हूँ। तो फिर सेफ से पैसे निकालो, मैं बैग लाई हूँ। हाँ ठीक है। वो लोग कितनी बेचैनी से बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं, सेठ सोनाचंद धर्मानंद उनके साथ ही। उन्होंने तुम्हारे लिए पूरा इंतजाम कर दिया है। तुम्हें सिर्फ 20,000 रुपए मिलेंगे और एक हवाई जहाज का टिकट, और उसके बाद ये कहा जाएगा कि राज पब्लिक का रुपया लेके भाग गया है। तुम फिक्र मत करो, मैंने भी तुम्हारे लिए सारा इंतजाम कर दिया है। लो ये बैग मुझे दे दो। विद्या, मैं आपसे। विद्या, तुम सुना है तुम घर बना रहे हो, तो क्या तुम्हें भी घर चाहिए? मैं क्या करूंगी घर लेकर, घर तो घर वाले से बनता है, गृहस्थी से बनता है। तो फिर यहां क्या लेने आई हो देवी जी, देखती नहीं हम बिजी हैं। मैं तुम्हें एक भेंट देने आई। ये लो, तुम्हारा ईमान जिसे तुम गिरवी रखाए थे, शायद तुम्हारे काम आए। ईमान? सोने के मेडल को ईमान कहती हूं? बाजार में 80 रुपए तोला मिल, जो बिकता है वो ईमान नहीं। क्या देख रहे हो राज, लाओ ये बैग मुझे दौड़ चलो चले यहां से। ये रुपया तुम्हारा नहीं। ये तो मैं भी जानती हूं ये रुपया तुम्हारा है। ये रुपया मेरा भी नहीं। फिर ये सारा रुपया सोना चंद किसी बातें करते हो राज? नहीं, देखो देखो, ये रहे हमारे, ये है हवाई जहाज की टिकट, टैक्सी बाहर खड़ी और घंटे भर में हवाई जहाज उड़ने वाला। और फिर हम हिंदुस्तान की सरहद से बहुत दूर होंगे, जहां पे ना पुलिस तुम्हारा पता लगा सकेगी और ना धर्मानंद। पुलिस से भी निकल कर भाग सकता हूँ, सोनाचंद की नजरों से भी छुप सकता हूँ, मगर अपने आप से छुटकारा कैसे पाऊंगा? हट जाओ। राज, रुपया लेकर भाग गया।
भागने की कोशिश हो रही है। तुम्हारे बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद हैं। आप लोगों को ये रुपया चाहिए ना? ऑफ कोर्स। बंटवारा करना है। 1,14,55,900 रुपए कसाने और 2 खोटे पैसे जो आते से किसी दयालु ने दिए। एक मंगलसूत्र जिसमें किसी लड़की के दुल्हन बनने के सपने, इन चीजों का बंटवारा कैसे करेंगे आप लोग? और अगर इनका बंटवारा कर सकते हैं तो ले लीजिए। ये भूल भुलैया कहाँ नहीं जा रही है? छिपी बांध रही थी। ये मेरे रुपया छोड़ दे, छोड़ दे। तो आप हैं सेठ साहब। बकवास बंद करो और रुपया मेरे हवाले करो। किसी बात के लिए आप लोग झगड़ रहे हैं क्या? रुपया चाहिए ना तो ये लीजिए। सुना है इंसान पहले बंदर था लेकिन पैसे की लालच ने उसे कुत्ता बना दिया। कुत्ता जिन नोटों के लिए आप एक दूसरे से भूखे भेड़ियों की तरह लड़ रहे थे वो भी तो रद्दी कागज है। कागज और बिल्कुल रद्दी। मगर इन रद्दी कागजों के लिए आप क्या कुछ नहीं करते। बोगस कंपनियां आप चलाते हैं, काला बाजार आप करते हैं, इंश्योरेंस का रुपया लेने के लिए अपने कारखानों में आग आप लगाते हैं। राज, अब मैं बाहर जा रहा हूं सेठ साहब, और मेरे साथ आपके धोखे और 420 के सारे सबूत भी बाहर जा रहे हैं। आज भरे बाजार में मैं आपका भांडा फोड़ने वाला हूं। आज सारी दुनिया को मालूम होगा कि समाज सेवक, धर्म पालक, दानी और दयालु सेठ सोनाचंद धर्मानंद का असली रूप क्या है।
जालिमों ने तुम्हें मार डाला था। जोश था, मगर तुम लोगों ने उसे काम नहीं दिया। उसे फुटपाथ पर रहना पड़ा, पेट भरने के लिए उसे अपना ईमान तक गिरवी रखना पड़ा। तब तुम लोगों ने उसे अपना शैतानी मंत्र सिखा दिया, कहा कि देखो अगर जिंदगी में तरक्की चाहते हो, नाम इज्जत और शोहरत चाहते हो, झूठ बोलो, पत्ते लगाओ, धोखा दो, 420 बनो। अपराधी राज नहीं है, अपराधी तुम हो। क्या भक्ति है, जानती नहीं किससे बात करती है, नॉनसेंस। बराबर बराबर बोलती है छोकरी, मेरा छोकरा चोर लफंगा न होता, चोर लफंगा तुम्हें। बुढ़िया मुंह संभाल के बात कर, तुम्हारा राज कितना बड़ा शरीफ है अभी मालूम होता है, आने दो पुलिस को। गोली किसने चलाई? मैंने। आप मुझे पहचानते होंगे? जी हाँ, सेठ सोनाचंद धर्मानंद। तो आप ये भी जानते होंगे कि मेरा प्रथम मानव धर्म है जनता की सेवा। यह आदमी जनता का 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया लेकर भाग रहा था, इसलिए जनता की खातिर मुझे इस पर गोली चलाना पड़ी। अगर इसको आप जुर्म समझते हैं तो आप मुझे फांसी दे सकते हैं। प्यारी जनता की खातिर मैं अपनी जान भी दे सकता हूं। इतना बड़ा झूठ मत बोलिए शेख साहब, जिसे सुनकर मुर्दे भी जिंदा हो जाए। राज, बुरे नहीं नहीं सेठ साहब, जिंदगी बड़ी 420 है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। और फिर शायद आप ये भूल गए कि बैग में रिवॉल्वर मैंने डाला था, रिवॉल्वर में गोलियां भी मैंने ही डाली थी। ये सब क्या तमाशा है, तुमने मरने का ढोंग रचाया था क्या? इंस्पेक्टर साहब, इस औंधी दुनिया में जिंदा रहने के लिए कभी कभी मरना भी पड़ता है, और फिर सेठ साहब ने मेरे लिए पूरा इंतजाम कर दिया था, 1-2 नहीं पूरी 6 गोलियां चलाई। भागते हुए चोर को रोकने के लिए सिर्फ 1 ही गोली काफी होती है, फिर एक निहत्ते आदमी पर 6 गोलियां किस लिए? जनता की खातिर सेठ साहब, या उनके 1.5 करोड़ रुपए की खातिर? रुपया? ये रुपए का क्या मामला है? यही तो मैं कहता हूँ, जनता का रुपया वही है जहां जनता ने दिया था। जी हाँ, ये रही चाबी, और ऊपर के ऑफिस में एक सेफ है, उनका सारा रुपया ले आइए, मगर इन लोगों से पूछिए कि जनता के रुपए से इनको क्या दिलचस्पी है। ये लीजिए इंस्पेक्टर वाली, ऊपर से रुपया ले आइए और साथ में मिस्टर राज को भी। चलिए सेठ जी, आप लोगों को मेरे साथ थाने चलना होगा। इन भले लोगों की शक्लें अच्छी तरह से देख लीजिए, ये बड़े शरीफ लोग हैं, इज्जत वाले हैं, धन वाले हैं, और इनकी गिनती 1-2-10-50 नहीं, ये पूरे 420 है। 420 नहीं, श्री 420 है। और अब आप अपने आप को भी देख लीजिए, कौन कहता है कि आप गरीब हैं, बेकार और बेघर हैं? आज आप में से हर एक के पास 1,70,00,000 रुपया है, ये वही रुपया है जो मैंने आपको जनता घर का सब भाग दिखाकर जमा किया। मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था, आप लोगों को इकट्ठा करना चाहता था। अगर आप चाहें तो अपना 100-100 रुपया वापस ले सकते हैं, मगर मेरी मानिए तो अपनी दौलत को यूं लुटाइए नहीं, अपनी ताकत को घटाइए नहीं। 100-100 रुपए में कभी किसी का घर नहीं बन सकता, मगर 1.5 करोड़ रुपए में लाखों घर बन सकते हैं। अगर आप अपनी गवर्नमेंट से जाकर ये कहें कि ये रहा 1.5 करोड़ रुपया और हम लाखों आदमी की हिम्मत और मजदूरी है, हमें जमीन दो, हम अपने घर खुद बनाएंगे। अब आप सब मुझे भी गौर से देख लीजिए, मैं भी आप में से एक था।
जब मैं बंबई आया था मेरे पास सब कुछ था, ईमान था, शिक्षा थी, उम्मीदें थी कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, मेरा घर होगा, गृहस्थी होगी, मेरे बच्चे बड़े होकर स्कूल और कॉलेजों में पढ़ने जाएंगे, मगर रुपए की लालच में मैंने सब कुछ खो दिया और आज मेरे पास कुछ भी नहीं सिवा पछतावे। मगर भला उसका जिसने मुझे इस लालच और बेईमानी के अंधे कुएं में गिरने से बचाया, जिसने मुझे यह बताया कि गरीबी और बेकारी का इलाज 420 नहीं, उसका इलाज है हिम्मत और मेहनत, उसका इलाज है सारे देश की तरक्की और जनता का एका। भला उसका, मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना कि जो गलती मैंने की है वो आप मत कीजिएगा। चलिए मिस्टर राज, चलिए। चलो बेटा चापानी, चलो। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। पढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी।